जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई डेटा है अपना एक्सेल में, तो जब फर्क क्या है कि एक वर्कशीट में हम दो टेबल रख सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है कि जैसे ये टेबल है, ये टेबल ही होता है बस, उसमें ये वर्कशीट की तरह एक्स्ट्रा सेल्स नहीं होते। इसके जो एलिमेंट्स हैं रो कॉलम टेबल और डेटाबेस, एक डेटाबेस में मल्टीपल ऑफ टेबल हो सकती हैं, ठीक है जी। कहने का मतलब ये है कि उसमें एक्स्ट्रा शीट्स एक्स्ट्रा सेल्स नहीं होती, जितनी हैं उतनी ही होती हैं। तो चलिए पहले इसको एक्सेस के एनवायरनमेंट को समझते हैं कि कैसे इसमें काम किया जाता है, कैसे खोला जाता है। तो एक्सेस जब आप ओपन करेंगे, हाँ, तो एक्सेस जब आप ओपन करेंगे, ठीक है जी, इस तरह का आपके पास एनवायरनमेंट आएगा, ठीक है जी, जिसमें ब्लैंक डेटाबेस लेते हैं, इनका कोई नहीं है, ये टेम्पलेट्स वगैरह है, टेम्पलेट से कोई लेना देना नहीं है। तो ब्लैंक डेटाबेस कहते हैं, डेटाबेस का नाम यहाँ पे आ जाता है और किस फाइल में जाना है ये पहले ही हमें सेव करना पड़ता है, ठीक है जी। जैसे मेरे को नया सेव करना है तो मैं डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ, मान लीजिए डेस्कटॉप पे सैंपल डेटाबेस, सैंपल के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है जी, सेव कर लेता हूँ। तो सैंपल के नाम से ये आया, और क्रिएट करूंगा तो ये डेटाबेस बन जाएगा, ठीक है जी। और फाइलों में क्या होता था कि हमें पहले काम करते थे और उसके बाद सेव करते थे, इसको पहले सेव करना पड़ेगा आपको, तब आप उसके ऊपर काम कर पाओगे, ठीक है जी। ये मेजर डिफरेंस है इसका, ठीक है जी। जैसे ही खुलता है ये, इसके अंदर एक टेबल आ जाती है और एक फील्ड आ जाती है, मतलब ये टेबल वन, ये जो नेविगेशन पेन है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ये जो है नेविगेशन पेन कहते हैं इसको, ठीक है जी। इसके अंदर आपकी जितनी भी टेबल होती हैं वो आपको दिखाई देती है, जो एलिमेंट्स हैं एक्सेस के, एक है टेबल, जैसे ये टेबल है, जैसा कि हमने एक्सेल में दिखाया कि ये टेबल है इस तरह से। दूसरी होती है क्वेरी, तो क्वेरीज वो होती हैं जो आपका किसी डेटा से डेटाबेस लाके देती हैं, ठीक है जी। क्वेरी मतलब जैसे हम पाइवट टेबल की क्वेरीज बनाते हैं ना, कि एक एम्प्लॉय की सेल कितनी है, ठीक है जी, एक सिटी में उसकी सेल कितनी है, तो इस तरह की चीजों को क्वेरी बोलते हैं, जिनको एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के जरिए कहा जाता है, किया जाता है, ठीक है जी। क्वेरीज आपकी होती हैं यहाँ, क्वेरी 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 क्वेरी, इसको भी क्लोज कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे क्रिएट के अंदर क्वेरी विजार्ड होता है, क्वेरी डिजाइन होता है, ठीक है जी। तो यहाँ क्वेरीज होती हैं आपकी, क्वेरी जब भी खोलते हैं तो जैसे किस फील्ड में से क्या लेना है, यहाँ पे आपकी टेबल इंपोर्ट होती है, ठीक है जी। जैसे हमने डेटाबेस टेबल देखी, उसी तरह की टेबल यहाँ इंपोर्ट होगी, और उससे आपको क्या चाहिए वो आएगा। अभी मैं खाली इंट्रो दे रहा हूँ, कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है जी। ओके तो एक क्वेरी होती है, और उसके बाद नेक्स्ट चीज होती है इसमें फॉर्म, ठीक है जी। फॉर्म क्या होता है अपना, जैसे सॉफ्टवेयर टाइप का बनाते हैं ना एंट्री के लिए, तो फॉर्म होता है जिसके अंदर हम लोग ये कंट्रोल्स वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। कंट्रोल्स को यूज करना, जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गया और मतलब बटन हो गए, इन सब को यूज करना, वैसे वीबीए से यूज करते हैं, पर एक तरीका है जिसको वैसे भी यूज किया जा सकता है। तो एक पहला टेबल, क्वेरी, फॉर्म, इसके बाद जो होता है रिपोर्ट, ठीक है जी। रिपोर्ट किस तरह की चाहिए उस डेटा से आपको, तो वो सेट करके रख सकते हैं। तो चार तरह के एलिमेंट होते हैं इसके अंदर।
अब इसमें आप बाहर का डाटा भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पे टेबल है, ठीक है जी। टेबल को जैसे खोलेंगे, यहाँ पे एक फीचर आता है कि आप यहाँ पे या तो डालते जाए, आईडी अपने आप आ रहा है। एक्सेस के हर डेटाबेस में एक यूनिक की डिफाइन करता है, जैसे कि हम वीलुकअप के लिए यूनिक वैल्यू चाहिए होती है ना, तो एक्सेस में कंपलसरी है कि आप यूनिक पहली जो होगी यूनिक वैल्यू होगी, यानी कि जब आप इसमें अब जैसे दूसरी फील्ड है, मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ, ठीक है जी, सिटी सेल्स, ठीक है जी। तो अब जब मैं इसमें रिकॉर्ड में एंट्री करूंगा, मैं डायरेक्ट भी एंट्री कर सकता हूं टैब से नेविगेट करते हुए, ठीक है जी। जैसे ही टैब प्रेस करता हूं, आगे ये नए के लिए आ जाता है, ये आईडी अपने आप पढ़ती है। एक बार जो आईडी पढ़ गई वो दोबारा नहीं पढ़ेगी, ठीक है जी। जैसे ही आप करेंगे, ये अपना एक बार आईडी जनरेट कर देगा। तो एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट डेटाबेस की एंट्री इस तरह से होती है, बट ये तरीका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि एक्सेल में क्या होता है कि आपका जो ये नंबर फॉर्मेटिंग है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये नंबर है कि क्या है, ठीक है जी। इसमें आपको एक्सेस में बताना पड़ता है कि कौन सी चीज क्या है। क्लोज करता हूं, इसको क्लोज कर देता हूं और सेव पूछ रहा है, सेव कर। टेबल का नाम दे दिया जो भी, वैसे यहां से भी चेंज रिनेम आप यहां से कर सकते हैं। रिनेम, एक सेकेंड ना। हाँ जी, वो 1 2 3 कहाँ गए? सीधा 4 5 आया क्या? अब वो पहले भी उसमें किया था एंट्री, इस कारण से आईडी अपने आप जनरेट कर, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है जी। ओके ओके। तो रिनेम को मैं डाटा टेबल का नाम दे देता हूँ। अब देखिए, इस पे राइट क्लिक जब करूंगा तो मेरे पास आ रहा है डिजाइन व्यू, ठीक है जी। एक तो नॉर्मल ओपन है, एक डिजाइन व्यू है। नॉर्मल ओपन करूंगा तो टेबल खुल जाएगी, डिजाइन व्यू में खोलूंगा तो टेबल में जितनी हेडिंग होगी वो मुझे दिखा देगी और किस किस तरह की। तो जैसे हमने देखा कि एंट्री के टाइम इसको पता पड़ गया कि वो नंबर था, तो इसने ऑटोमेटिक नंबर यहाँ पे किया, ठीक है जी। डेटा टाइप ले लेता है, जैसे नंबर फॉर्मेटिंग होती है ना, वैसे ही ये अपने आप ले लेता है। नेम में यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक लिस्ट आएगी। तो इतने तरह की आप चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, मैम वो थोड़ा लंबा टेक्स्ट हो गया, नंबर डेट टाइम करेंसी ऑटो नंबर ये वाला हो गया जो आपका आईडी में चल रहा है, ठीक है जी। ऑटो नंबर इसमें से जो सिलेक्ट करेंगे वैसा, यस नो, ओले ऑब्जेक्ट छोड़ दीजिए इसको, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, ठीक है, या लुकअप विजार्ड किसी और जगह से फाइंड करना है वी लुकअप टाइप से, ठीक है जी। तो इसको अभी जनरल पे चलते हैं, चाहे तो इसके आगे डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसके साथ ही हर एक कॉलम पे जब क्लिक करेंगे तो इनकी कुछ लिमिटेशन होती है कि फील्ड साइज कितना होना चाहिए, ठीक है जी। कैप्शन वगैरह थोड़े से अपने हैं जिसमें कोई नहीं है। हाँ, वैलिडेशन अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं कि वैल्यू जो है इक्वल टू इसके होने चाहिए, ग्रेटर देन इसके होने चाहिए, लेस देन इसके होने चाहिए। इस तरह से यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो अपना फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है जी, वैलिडेशन जो होता है। तो यहां से हम अपना फील्ड फिक्स करते हैं, ठीक है जी। फिर इसको सेव कर देते हैं, यहीं से राइट क्लिक क्लोज कर दिया। फिर अब मैं ओपन कर रहा हूं तो नॉर्मली ये उसी तरह से ओपन है। अब इस डेटा में अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है, एक और चीज मैं बताना भूल गया इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिजाइन व्यू में, ठीक है जी। ये जो चाबी सी देख रहे हैं आप, यहाँ पे की बनी हुई आ रही है, की का मतलब होता है ये प्राइमरी की है ये, ठीक है जी। अब न्यू वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इंक्रीमेंट होनी चाहिए, रैंडम लेनी चाहिए, ये अपने आप बता रहा है, ठीक है जी। और ये की का मतलब है कि ये प्राइमरी पे सेट है,
यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो प्राइमरी की हो रखा है, ठीक है जी। प्राइमरी की का मतलब होता है कि जो वी लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू होती है वो वाली, ठीक है जी, यूनिक होती है, ये कभी खाली नहीं रह सकती। और डेटा टाइप हमने ऑटो नंबर कर रखा है, हम चाहें तो इसको प्राइमरी बना सकते हैं और या किसी टेक्स्ट की तरह भी डील करवा सकते हैं, ठीक है जी, और इसको खुद दे सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको प्राइमरी की बना के अपने आप से भी अगर खुद के नंबर आईडी डलवाना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है जी। हालांकि आप चाहें तो प्राइमरी की हटाने के बाद इसको डिलीट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो प्राइमरी की हट जाएगी, और चाहूं तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है जी। अब इसको सेव करूंगा तो वहां से वो आईडी हट चुकी होगी, मान लीजिए आपको आईडी की जरूरत ही नहीं, तो इस तरह से डेटा भी चला सकते हैं, ठीक है जी। देन थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, डेटा इंपोर्ट कर लेता हूँ एक्सेल से। अब एक्सेल से मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ डेटा, ठीक है जी। इसमें मैं सिटी का कॉलम ऐड करके थोड़ा सा डेटा बड़ा कर देता हूँ, मैंने बड़ा कर दिया डेटा। अब मैं डायरेक्ट ये डेटा इनपे कॉपी किया मैंने, ऐसे ऊपर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, पेस्ट कर सकते, ठीक है जी। पेस्ट हो गया डेटा, एक्सेल से डायरेक्ट पेस्ट हो गया, 430 रिकॉर्ड आ गए अपने, ठीक है। यहां से ये आप एक एक रिकॉर्ड में नेविगेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ है तो आगे पीछे या एकदम से लास्ट में जाना है, नया ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आगे चल सकते हैं। एंट्री के दो तरह से हैं, जैसे इसमें नेम सिटी सेल्स लिखा था, ठीक है जी। इसको मैं सेव कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इसी का आपने जैसे एंट्री है वो उसमें आ रही थी, तो ग्रिड में आ रही थी, आप चाहें तो फॉर्म में भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जैसे ही फॉर्म पे इसको सिलेक्ट करके फॉर्म पे क्लिक करेंगे, वही सारे फील्ड्स यहाँ पे आपको आ जाएंगे। यहाँ कुछ डिजाइन है, अगर आप कोई डिजाइन करना चाहें अलग से तो उस तरह से बनाया जाएगा, ठीक है जी। फील्ड्स आ गई और ये नॉर्मल एंट्री चलेगी, इन्हीं से नेविगेट कर सकते हैं आप आगे पीछे, ठीक है जी। यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और उसी तरह से जैसे नया रिकॉर्ड करना है आपने, तो ये खाली फील्ड आ गई, ठीक है जी। तो यहाँ पे इससे न्यू रिकॉर्ड क्या हो रहा है, एंटर नहीं होता, अच्छा। अभी क्या है कि ये फॉर्म व्यू में है, इस कारण से वैसे नहीं दिखा रहा है, डिजाइन व्यू में है, लेआउट व्यू में, इसको फॉर्म व्यू में खोलना पड़ेगा। यहाँ पे तीन तरह के व्यू होते हैं डिजाइन, जिसमें डिजाइन में आप इसको ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हैं कि इसको हमें ऊपर करना है नीचे करना है, इसकी जगह बदल सकते हैं, ठीक है जी। हेडर में क्या आना चाहिए, यहाँ कोई पिक्चर देना चाहे आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है जी। हेडर में जो टाइटल देना चाहे, और प्लस में यहाँ पे आप कंट्रोल्स यूज कर सकते हैं ये वाले, पर इनकी जरूरत नहीं, ये अपने आप ही ऑटोमेटिक उठा लेगा। आप इसकी खाली जगह वगैरह चेंज करना है तो कर सकते हैं। लेआउट में आपको ये दिखाता है कि ये कैसे लगा हुआ है, कैसे आएगा, ठीक है जी। मैंने एक लेआउट सेट कर दिया इसका, देन इसका एक्चुअल यूज होता है फॉर्म व्यू में। अब फॉर्म में ये एक्चुअल पूरा फंक्शन करेगा। यहां से जैसे मुझे नया रिकॉर्ड एंटर करना है तो 431वां आ गया, अब मैं इसमें एंटर कर सकता हूं,
ठीक है जी। तो मैंने 431 में एंटर कर दिया। एंट्री करने के बाद मुझे इसे सेव करना पड़ेगा और इस फॉर्म का नाम देना पड़ेगा मुझे कुछ, डेटा फॉर्म। ठीक है जी, सेव कर दिया, क्लोज कर देता हूँ। तो ये आपका फॉर्म हो गया, ये आपका डेटा टेबल हो गया। तो डेटा टेबल में यही आप एंट्री देख सकते हैं कि लास्ट में ये एंट्री हो गई है। ठीक है जी। अब इसी के ऊपर आप चाहे तो पाइवट टेबल लगा सकते हैं यहीं से। इस पे राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल, पाइवट टेबल की फील्ड आ गई और यहां पे आप पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। जैसे सिटी को मैं रो वाले में डाल देता हूं। ठीक है जी, नेम को कॉलम में डाल देता हूं और सेल्स को डेटा में डाल देता हूं। तो इस तरह से आपको ये दिखा रहा है। इसका एक बेनिफिट ये है कि आप अपना व्यू तो सेट कर ही सकते हैं, उनकी डिटेल भी देख सकते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर कितनी तरह की सेल आई वो आप देख पा रहे हैं इसमें। ठीक है जी। नॉर्मली क्या होता है, आप ये नहीं देख पाते कि इसके अंदर कौन कौन सी सेल थी, आप खाली उनका टोटल देख पाते हैं। तो यहां प्लस माइनस है। ठीक है जी, ऑटो कैलकुलेट सम। तो यहां ऑटो कैलकुलेट से ये डिजाइन में ऑटो कैलकुलेट जब मैंने किया तो ये नीचे मुझे यहां पे इसका सम भी दिखाने लगा। ठीक है जी, अब ये मुझे सम दिखाएगा। शो डिटेल्स, हाइड डिटेल। तो ये दोनों साइड मुझे सम दिखाने लगा इनके। प्लस माइनस करके मैं इनको इनको नॉर्मल उसमें ला सकता हूं। ठीक है जी। तो इसकी पाइवट टेबल थोड़ी सी अलग होती है, बस इसमें फायदा यह है कि आपको हर एक चीज दिखाती है इसके अंदर। नॉर्मली जो एक्सेल की पाइवट टेबल होती है वो इस तरह से होती है। इसमें क्या है कि आप प्लस करके पूरा का पूरा डेटा देख सकते हैं कि कैसे अरेंज हुआ है एक एक डेटा। ठीक है जी, ये जो आपका आ रहा है। यहीं से कोई भी डेटा है आप चाहे तो इसमें से यहां से फिल्टर भी लगा सकते हैं। सिटी से फिल्टर कोई स्पेशल देखना है, दिल्ली का देखना है खाली, तो उसका आ गया। तो फिल्टर की तरह काम करता है, नॉर्मल पाइवट टेबल की तरह है। बस प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें आपको अंदर का डेटा भी देखा जा सकता है। मान लीजिए आपने काउंट लगाया, आप पता नहीं काउंट कैसे आया है। ठीक है जी। अब जैसे मैं यहां से इसको हटा देता हूँ, इसको बाहर खींचेंगे तो आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी। एम्प्लॉई जैसे काउंट करना हो तो हर किसी में कितने कितने एम्प्लॉयज आ रहे हैं, डेटा में फील करे तो। ठीक है जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं फरीदाबाद में कितने एम्प्लॉयज थे। और वैसे आपको नॉर्मल प्राइवेट टेबल में खाली काउंट बताता है, यहाँ काउंट चाहिए आपको तो ऑटो कैलकुलेट काउंट। ठीक है जी, अब ये काउंट बताएगा आपको हर एक के। ठीक है जी, तो एक प्लस फीचर है इसके अंदर। जैसे ये ड्रॉप जोन है, ये आपके यहां से दिखाने हैं नहीं दिखाने, शो डिटेल हाइड डिटेल। इसको यहां से सॉर्ट भी कर सकते हैं,
हाइट डिटेल, यहाँ पे ये जो बटन है सिलेक्ट करके इनको शो डिटेल करेंगे तो खुल जाएगा, हाइट डिटेल करेंगे तो ये उस वाले फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसका बेनिफिट होता है एक्सपोर्ट टू एक्सेल, एक्सेल में आपकी सेम बन के आ गई, ठीक है जी। एक्सेल में यही पाइवट टेबल आपकी आ गई बन के जो वहां पे थी, सही है। ठीक है जी। और ये उससे लिंक्ड है तो एक्सेल में भी कुछ सेटिंग वेटिंग कर सकते हैं। डेटा फॉर्म एंट्री के लिए पाइवट टेबल मैंने दिखाया, पाइवट टेबल व्यू है, इसके व्यू में ही पाइवट टेबल आता है। और जैसे नॉर्मल ओपन किया, राइट क्लिक डेटा के ऊपर, पाइवट टेबल व्यू, तो ये आपका व्यू सेव रहता है, ठीक है जी। उसी डेटा पे आपने पाइवट टेबल बना के रखा हुआ, ठीक है जी। उसमें चेंज करते जाएंगे, इसमें भी बढ़ता जाएगा, लिंक्ड रहता है तो कोई ऐसी टेंशन नहीं कि इसमें कुछ खराब हो जाएगा, ये होगा, ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है, ठीक है जी। विद इन वन क्लिक आपको चीजें मिलती रहती है। अब बात आती है क्वेरी की, जैसे कि इसमें था कि इसमें हम खाली ये देख पाए कि पूरे पे पाइवट टेबल लगा था, हमने सिलेक्ट कर ली। क्वेरी भी एक ऐसी चीज होती है, पर क्वेरी थोड़ी सी आपके काम आती है। क्वेरी भी दो तीन तरह की, मतलब कई तरह की होती है। क्वेरी एक होती है व्यू क्वेरी, जो कि आपकी सेम पाइवट टेबल की तरह होती है कि कौन सा डाटा लाना है। बाकी क्वेरीज जो होती हैं वो काम करती हैं इंसर्ट अपडेट डिलीट के फंक्शन, जैसे डेटा फॉर्म के थ्रू हम इंसर्ट करा रहे हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये काम क्वेरी के जरिए भी होता है। अब क्वेरी को देखते हैं एक बार, इनको बंद कर देते हैं। क्वेरी विजर्ड, ठीक है जी, सिंपल क्वेरी विजर्ड, इसमें आपके तरीके हैं अपने आप ही बने हो जाए। क्वेरी में आपको कौन कौन सा डेटा चाहिए, ठीक है जी। मैंने कहा नेम आ जाए और सेल्स आ जाए, बाकी मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट गया, डिटेल शो एवरी फील्ड ऑफ एवरी रिपोर्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट, इसको हम कर देंगे डेटा क्वेरी, यहां पे बना हुआ है नाम इसका, फिनिश। तो ये आपकी क्वेरी हो गई, उस तरह का डेटा आपके बन के आ गया सारा का सारा, ठीक है जी। पर अभी तो ये सिंपल है, उसमें से कोई डेटा ही निकाला है, ये आपकी डेटा क्वेरी है। तो इसको चलते हैं डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू में इस तरह से आपका तो दिखा रहा है क्वेरी कैसे बनी थी। हमने ऑटोमेटिक में ये बन गई थी कि फील्ड ये थी जहां डेटा हो। अब क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं, जैसे क्राइटेरिया है, देखिए पहला तो फील्ड कौन सी टेबल से, सेल्स कौन सी टेबल से, हम दो टेबल से भी एक साथ ले सकते हैं डेटा, बशर्ते उनमें प्राइमरी की हो, ताकि एक दूसरे को लिंक कर सके, ठीक है जी। अब क्राइटेरिया मुझे चाहिए कि जो सेल्स है वो ग्रेटर देन 50 हो, ठीक है जी। क्लोज, तो आप देख रहे हैं यहां पे 212 रिकॉर्ड मिले हैं जो ग्रेटर देन 50 है, ठीक है जी। क्वेरीज क्या होती हैं, एक व्यू होते हैं, ये रहते डेटा से ही लिंक्ड है, ठीक है जी। जैसे आपको ग्रेटर देन 50 निकालना हो पाइवट टेबल में तो अपने आप में बवाल है, या फिर आपको डेटा में जाके फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह की आप क्वेरी बना बना के सेव कर सकते हैं कि इसमें से ग्रेटर देन 50 वाले ये हो गए, ग्रेटर देन 80 वाले ये हो गए, ठीक है जी, खाली किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के ये हो गए। तो क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं इसे क्वेरी के डिजाइन व्यू में, इनका क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो
सॉर्टिंग कैसी होनी चाहिए, असेंडिंग होनी चाहिए, डिसेंडिंग होनी चाहिए। जैसे मैं इसमें कर देता हूँ डिसेंडिंग होनी चाहिए, ठीक है जी। सेव कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, तो इसको करूँगा तो ये आपको डिसेंडिंग वे में दिखाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये छोटे छोटे डेटा को आप बना बना के सेव कर सकते हैं। क्वेरी ये काम करती है। देन क्या करते हैं इसमें क्वेरी के अंदर ही, हाँ जी एक मिनट, हाँ जी ये क्वेरी में नेम की जगह क्राइटेरिया क्या क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल बोलो। नेम की जगह क्राइटेरिया में, जैसे कि नेम का क्राइटेरिया क्या आ सकता है कि कोई पर्टिकुलर फील्ड, मतलब जैसे महेश का डेटा चाहिए हमें खाली, तो क्राइटेरिया में इक्वल टू महेश कर देंगे। अच्छा, इक्वल टू महेश, ओके। हाँ जी हाँ जी, दो तीन नाम सेलेक्ट करना है तो अब वो और के साथ कर देंगे। एक एक बार करो ना, एक कुछ ठीक है, जैसे क्राइटेरिया में मैंने कर दिया महेश, इक्वल टू महेश, ठीक है जी, इक्वल टू महेश आ गया, सेव कर दिया। तो ये महेश का डेटा दिखाने लगा, ठीक है जी खाली। और इसके फिर से डिजाइन व्यू में जाते हैं, महेश कॉमा संदीप, ठीक है जी, ब्रैकेट्स में लिखना है, ओके। ये कॉमा लगा के इसको लिखना है, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लेना है। अब देखते हैं, ये क्वेरी कुछ रिटर्न नहीं कर रही, कुछ गड़बड़ है इसमें। हाँ, और इसके कीवर्ड्स थोड़े से अलग होते हैं, जैसे नॉट, ओके। तो महेश संदीप दोनों का डेटा आ गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया था हमने। महेश को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, बीच में एक ऑपरेटर लगाया और। अब ये किस तरह से वर्क कर रहा है, हर एक सेल में जाके देख रहा है, या तो महेश हो, ठीक है जी, या तो संदीप हो, ठीक है जी। हर एक सेल के लिए ये क्राइटेरिया अप्लाई होता है, इसीलिए अगर हम एंड लगाएंगे तो एंड के अंदर कुछ नहीं आता है, क्योंकि हर एक सेल में चेक करेगा महेश हो और संदीप भी हो, ठीक है जी। तो अगर अगर हम इसको करते हैं तो इसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है जी। तो इसी तरह और करके आप मल्टीपल नाम डाल सकते हैं। डिजाइन, ठीक है जी। ये तो आपका जो व्यू है ये आपको दिखा रहा है, मतलब आपको ग्राफिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं आप इसमें, है ना, मतलब आप क्लिक कर रहे हैं और वो सब। कुछ चीजें होती है कमांड के थ्रू, तो SQL व्यू है इसी का, SQL व्यू को देख सकते हैं हम लोग। SQL में एक कमांड बन गई है कि सिलेक्ट डेटा डॉट नेम डेटा डॉट सेल्स फ्रॉम डेटा वेयर डेटा डॉट नेम इक्वल टू महेश और डेटा डॉट नेम इक्वल टू संदीप एंड डेटा डॉट सेल्स इक्वल टू 50 और डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बाय डेटा डॉट सेल्स DESC, ये कोड है, ठीक है जी। तो इस व्यू का SQL, SQL में इस तरह की कमांड चलती है। ये क्वेरी का कॉन्सेप्ट जो है वो SQL का है, क्योंकि
एसक्यूएल का पूरा नाम ही है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो वो अपने आप में लैंग्वेज है, ठीक है जी। तो अगर इस तरह की कमांड समझनी है, इनको समझना वैसे जरूरी है, ताकि एक्सेस के साथ ही डेटाबेस है आप एसक्यूएल और ओरेकल सब में एक ही तरह की कमांड चलती है, ठीक है जी, यही एसक्यूएल वाली। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा, क्वेरी एसक्यूएल वाली बना के देखते हैं, ठीक है जी। क्योंकि अभी जो इस क्वेरी के थ्रू आप व्यू कर सकते हैं, पर इंसर्ट वगैरह कुछ नहीं कर सकते। कई बार क्या होगा कि हमें वैल्यू कमांड से इंसर्ट करानी पड़ेगी, ठीक है, तो वो भी आपका क्वेरी के जरिए ही होता है। इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन जो होते हैं, व्यू इंसर्ट अपडेट डिलीट, वो क्वेरी के जरिए होते हैं। जब वीबीए के फॉर्म बनाएंगे वीबीए के थ्रू, तब भी इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी एसक्यूएल कमांड्स की। तो मैं एसक्यूएल कमांड्स को क्लियर कर देता हूँ, और आपको इसके लिए हम रेफरेंस लेंगे, अपना एक वेबसाइट है, टेक ऑन द नेट, ये मैंने शायद आपको पहले भी बताई होगी। ये आपके पास हमेशा रहेगा। एसक्यूएल को देखेंगे, इसके अंदर एसक्यूएल स्टेटमेंट जो होती है ना, जैसे सिलेक्ट स्टेटमेंट, फिर इंसर्ट अपडेट डिलीट, इनको देखेंगे, ठीक है जी। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट होती क्या है वो आपको दिखा देता हूं। मैं एक नई क्वेरी बनाता हूं, क्रिएट में क्वेरी विजार्ड ने क्वेरी डिजाइन कर देता हूं, ठीक है जी। शो टेबल, यहां जितने टेबल होंगी वहां ऐड कर सकते हैं, ऐड कर लिया मैंने अभी फिलहाल। इसको चला जाता हूं एसक्यूएल व्यू में, ठीक है जी। अभी क्या है, नॉर्मल क्वेरी सारा डेटा कर रही है। तो इसमें कैसे होता है, आपको लिखना पड़ता है सिलेक्ट व्यू क्वेरी बनाने के लिए। अगर आपको सब कुछ दिखाना है तो स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, तो टेबल का नेम क्या है, डेटा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। इसको सेव कर दूंगा क्वेरी वन के नाम से, ठीक है जी। क्वेरी वन यहां सेव हो गई, क्लोज। तो जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो सारा का सारा डेटा दिखाता है, ठीक है जी। स्टार का मतलब होता है सब कुछ, अब कोई एक पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, ठीक है जी। तो डेटा के अंदर क्या, सिलेक्ट नेम फ्रॉम डेटा, ठीक है जी। यहां से रन भी कर सकता हूं, यहां से रन करूंगा तो ये क्वेरी चल जाएगी रन, या आपके सारे नाम उसने दिखा दिए जितने भी उसके रिकॉर्ड में पड़े थे, क्लोज कर दे। सिलेक्ट नेम, और आगे और फील्ड चाहिए, नेम कॉमा सेल्स, रन। अच्छा, अब ये इस तरह से पैरामीटर जब दिखा रहा है तो मतलब कॉलम नाम जो है गलत पड़ा हुआ है, कॉलम का नाम सेल्स है, ठीक है जी। अब सेल्स भी आ गई, ठीक है जी। तो यहां तक आप समझ गए कि मतलब बीच के कॉलम कैसे दिखाए जाएंगे। सिलेक्ट ये ना, ये कॉलम फील्ड फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है जी। अब लगाइए कंडीशन, कंडीशन के लिए क्या करेंगे, एक कीवर्ड लगता है वेयर, वेयर नेम इक्वल टू समथिंग, ठीक है जी। रन करते हैं, मतलब कॉलम नेम इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, वो
तो देखते हैं, ये सेमी कॉलन लगाए ना लगाए अपने आप लग जाएगा, ठीक है जी। तो संदीप का डेटा आ गया जैसे, ठीक है जी। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलना है, तो इसके लिए कीवर्ड लगता है ऑर्डर बाय, सेल्स BESC, वैसे लगेगा ASC असेंडिंग में बदलने के लिए, और इस तरह से DESC। अब यहां ऑर्डर बाय में कुछ गड़बड़ हो रही है, ऑर्डर बाय अलग अलग कर देता, ठीक है जी। तो ऑर्डर बाय अलग अलग चलेगा, इकट्ठा नहीं लिखने जाएगा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बदल गया, ठीक है जी। तो ये इसके पैरामीटर्स होते हैं, सिलेक्ट कॉलम फील्ड फ्रॉम, जहां से डेटा लेना है ये अपने आप में कंप्लीट रहता है। फिर कंडीशन चाहिए तो वेयर लगा के आप इसमें कंडीशन दे सकते हैं। कंडीशन देने के बाद ऑर्डर बाय कैसे रहेगा, ऑर्डर बाय के बाद जो फील्ड रहेगी और असेंडिंग में रहेगा डिसेंडिंग में रहेगा। तो हमने देखा था और कैसे लगा था, और के लिए इसमें क्या लगा था, एक यहां पे ब्रैकेट लग गया था, और नेम इक्वल टू महेश, ठीक है जी। ये रंग तो महेश संदीप दोनों का डेटा आ रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम अपनी टेबल की क्वेरी बनाते हैं, ठीक है जी। क्वेरी आपको क्लियर हुई गई होगी, फिल्टर का काम करती है ये व्यू क्वेरी, ठीक है जी। तो मान लीजिए ये क्वेरी मैंने बना के रख दी, तो कभी भी मैं इसको यूज कर सकता हूं। मुझे ये वाली पहली वाली चाहिए तो इस पर डबल क्लिक किया, इसके हिसाब से डेटा आ गया। दूसरी वाली चाहिए, दूसरी वाली के हिसाब से डेटा आ गया, ठीक है जी। तो ऐसी चीजें बना बना के सेव हो जाती है इसमें। अब अलग क्वेरीज को देखते हैं। ये तो हमने क्या किया कि व्यू क्वेरी दिखाई आपको। अब इंसर्ट करने के लिए, वैल्यू इंसर्ट करने के लिए उसके अंदर, तो इंसर्ट वाली स्टेटमेंट देखेंगे, जहां पे आप ये आपके जो है इसके एग्जांपल्स यहां पे भी है। ये वाली हम बाद में करेंगे, ज्वाइंट कैसे करते हैं दो टेबल को, जैसे वी लुकअप में करते थे, इसको बाद में करेंगे। हाँ, इन एसक्यूएल व्यू से आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, बट इसमें नहीं करेंगे, ठीक है जी। एसक्यूएल का थोड़ा सा लिमिटेड यूज है इसके अंदर। अब इंसर्ट कमांड देखते हैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए। तो इसमें कैसे करेंगे, इंसर्ट इनटू कॉलम के नाम कॉमा के साथ फिर वैल्यूज, ठीक है जी। तो एक क्वेरी बनाते हैं, तो एक क्वेरी जो है किसी क्वेरी के ऊपर भी बनाई जा सकती है। क्वेरी जो है सब्स्टिट्यूट होता है डेटा का, तो किसी क्वेरी से भी आप क्वेरी बना सकते हैं, ठीक है जी। फिलहाल मैं टेबल के ऊपर ही बना रहा हूं। एसक्यूएल व्यू कमांड जो है इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट इनटू कॉलम नेम आएंगे। देखिए यहां पे इंसर्ट इनटू डेटा कॉलम नेम आएंगे, इसमें नेम सिटी सेल्स, ठीक है जी। एक सेकेंड, देखिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम फील्ड देन वैल्यूज, और वैल्यूज में हम ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यूज दे देंगे। जैसे नेम वाली वैल्यू क्या आएगी, मैं दे देता हूं संदीप, या नया नाम दे देता हूं विजय,
ठीक है जी, कॉमा सिटी कौन सी दे दूं, गोवा दे देता हूं, ठीक है जी, कॉमा, और ये जो नंबर है टेक्स्ट के लिए मैं क्या करूंगा, इन्वर्टेड कॉमा यूज करूंगा, नंबर डायरेक्टली दे दे सकता हूं, तो 45, ठीक है जी, ये मैंने दे दिया, रन करूंगा, इस तरह से मैसेज आएगा यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, यस। तो टेबल में जाके देखेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसका, सबसे नीचे देखेंगे तो ये एंट्री हमारी हो चुकी है, ठीक है जी, क्वेरी दे देंगे। क्वेरी से डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं या एसक्यूएल से ही करना पड़ता? नहीं, क्वेरी डायरेक्ट इंसर्ट कर देती है, क्वेरी ना आपकी वैल्यू को डायरेक्ट इंसर्ट कर देगी, ठीक है जी। और इसमें थोड़ा सा वो भी चल जाता है, क्या नाम है, कंडीशन भी चल जाती है कि कहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है जी। जैसे अगर कंडीशन के साथ इंसर्ट करना है तो मैं क्या करता हूं, जैसे एक फील्ड है, जैसे मैं मान लो सेल्स ही अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है जी, सेल्स इंसर्ट इनटू डेटा, और सेल्स करना चाहता हूँ, मैंने कहा कर दो 85, कहां की करें, अगर आप पूरे कॉलम देंगे तो वो सबसे नीचे करेगा, इसके बाद एक कीवर्ड और लगता है अपना, वेयर सिटी, एक बार ट्राई कर रहा हूं, पता नहीं ऐसे चलेगा चल नहीं चलेगा, पल पल, ठीक है जी, क्योंकि एसक्यूएल में चल जाता है ये चीज, तो रन करता हूं, देखते हैं, सिलेक्ट इंसर्ट इनटू डेटा, वैल्यूज बाय प्रेसिंग इंसर्ट इन परफॉर्म मल्टीपल इंसर्ट क्विकली, ये तो दूसरी टेबल से वैल्यू कौन से इंसर्ट है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर, ये दूसरी दूसरी टेबल से वैल्यूज, ओके ओके ओके, नहीं ये कंडीशन जो है एंट्री के लिए लगती है दूसरी टेबल से, तो चलिए अब दूसरी टेबल इंट्रोड्यूस करते हैं, पहले ये देखें खाली रन होता है कि नहीं, अगर मैं कॉलम में खाली वैसे एंटर करना चाहूँ तो ये आप लास्ट वाले कॉलम में देखेंगे, मैंने खाली सेल्स में एंट्री की है तो लास्ट वाली सेल में 85 कहाँ चला गया, सेव नहीं किया, सेव क्वेरी टू, तो इसको जब मैं डबल क्लिक करूंगा एक्सप्रेशन, नहीं वैसे
चलिए कोई नहीं, इसको छोड़ते हैं। अब दो तीन टेबल को ज्वाइंट करके देखते हैं, ठीक है जी, क्वेरीज को उनको चलाते हैं। अभी मैंने इंसर्ट चलाई, एक मैं चलाता हूँ अपडेट वाली, ठीक है जी, अपडेट वाली, इंसर्ट वाली में वो चीज नहीं होती, अपडेट वाली में होती, मैं भूल गया था, ठीक है जी, क्योंकि रिकॉर्ड अपडेट करना चाहता हूँ, तो क्वेरी डिजाइन में गया, एक और क्वेरी ली, क्लोज, एसक्यूएल व्यू में चला जाता हूँ, पहले इसको सेव कर लेता हूँ, किसके नाम से, अपडेट के नाम से, एसक्यूएल व्यू, इसमें जो ऊपर से है आपकी कमांड भी मेरे ख्याल से लग जाती है अपने आप, अपडेट, अपडेट वाली, तो इसमें अपडेट को हम देखेंगे कैसे हुआ, अपडेट 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 स्टेटमेंट, ठीक है जी, इसमें होता है अपडेट टेबल सेट कॉलम, मतलब कौन सा कॉलम कौन सा एक्सप्रेशन लगेगा, वेयर कंडीशन ये है, यहां पे लगती है कंडीशन, तो सेट क्या करना है, कॉलम नेम इक्वल टू महेश कर देता हूं, यहां पे वो डालेंगे जो वैल्यू अपडेट करनी है, कॉमा सेल्स इक्वल टू 85, वेयर सिटी इक्वल टू पलवल। मैंने ये क्वेरी बनाई है कि जो डेटा टेबल है उसके अंदर नेम को महेश बना दे और सेल्स को 85 कर दे, जहां पलवल सिटी फाउंड होती है, ठीक है जी, रन करता हूं, ये बता रहा है 54 रो को आप अपडेट करने वाले हैं, यस, डेटा टेबल में जाके देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जहां पे भी पलवल होगा वहां महेश और 85 आ चुका होगा, यहां से हम फिल्टर भी लगा सकते हैं वैसे तो पलवल का डेटा देख लेते हैं खाली, ठीक है जी, तो हर जगह महेश 85 हो चुका है, 54 रिकॉर्ड है, ठीक है जी, तो इस तरह से किसी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं किसी कंडीशन के बेस पे, ठीक है जी, ये रहा। ठीक है जी, तो अपडेट की क्वेरी हो गई, देन उसमें देखते हैं डिलीट कैसे करना, तो एक डेटा को जो मैंने अपडेट कराया उसी को डिलीट करा देता हूं, क्वेरी बनाता हूं, एसक्यूएल व्यू, डिलीट के लिए नाम चेंज कर लिया मैंने इसका, एसक्यूएल व्यू में चला गया, डिलीट फ्रॉम डेटा, डिलीट स्टार फ्रॉम डेटा वेयर सिटी इक्वल टू पलवल, ठीक है जी, जहां सिटी पलवल हो वहां क्या कर दे, डिलीट कर दे, स्टार का मतलब सब कुछ, कोई एक पर्टिकुलर कॉलम देना चाहते हैं तो वैसे ही दे सकते हैं, ठीक है जी, सेव कर लेता हूँ,
इसको मैं चाहे तो यहां से भी रन कर सकता हूं, और नहीं तो क्लोज करके यहां मेरे पास डिलीट की क्वेरी है, इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये बताएगा मॉडिफाई करने वाले, यस यू आर अबाउट टू डिलीट, यस ठीक है जी। तो यहां पे ये डिलीटेड डिलीटेड लिखा आ रहा है ना, डाटा को देख लेते हैं वापस। तो इसमें से पल पल का रिकॉर्ड ही उड़ गया है, ठीक है जी, वो डिलीट हो गया। तो हमने तीन स्टेटमेंट देख, चार स्टेटमेंट देखी, सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट, ठीक है क्वेरी के जरिए। अब क्वेरी को, किसी भी क्वेरी को बटन्स पे भी ऐड किया जा सकता है, ठीक है जी, जैसे मैक्रो अटैच करते हैं इसी तरह से हम इनमें कंट्रोल बना के क्वेरी को बटन्स पे अपडेट लगा सकते हैं, ठीक है जी। अब जैसे क्लोज कर, उसके लिए हमें इसमें फॉर्म वगैरह का नाम देना होता है, एक स्पेशल फॉर्म बनाता हूं, फॉर्म के ऊपर थोड़ा सा करते हैं फिर उसको देखते हैं। उसके लिए मुझे ब्लैंक फॉर्म लेना पड़ेगा, ठीक है जी, तो मैं ब्लैंक फॉर्म लेता हूं इसके अंदर, कोई डिजाइन चूज कर लिया, देन इसमें मैं इसके डिजाइन व्यू में चला जाता हूं, ठीक है डिजाइन व्यू में। अब इसमें कंट्रोल ऐड कर देता हूं, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है जी, टेक्स्ट बॉक्स, इसके साथ ध्यान रखें जब भी आप ये कर रहे हैं यूज कंट्रोल विजार्ड होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसका कर देता हूं मैं यहां से नेम चेंज नेम, और बिल्ड इवेंट, ये तो मैक्रो में चला जाएगा, या फिर इसको हटा देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे आपके जो डेटा फील्ड है ये मैं यहाँ से डायरेक्ट ले आया, तो ये बाउंड होती है, मतलब आपको नेक्स्ट प्रीवियस करके इसमें वैल्यूज दिखाती है, ठीक है जी। देन मैं एक बटन लगाता हूँ सिंपल सा डिलीट का, ठीक है जी। अब ये बटन किस लिए यूज होना है, डिलीट के लिए, तो रिकॉर्ड ऑपरेशन में डिलीट रिकॉर्ड, नेक्स्ट पिक्चर करना चाहते हैं या नाम लिखना चाहते हैं खाली, यहां से नेक्स्ट कमांड ट्री फिनिश, ओके सिटी, इनको भी ले आता हूं सिटी और सेल्स, ठीक है जी, इनको सेट कर सकते हैं इकट्ठा, एक तो है आपका डायरेक्ट बन जाता है और इसमें आप मैनुअल बना सकते हैं ब्लैंक फॉर्म को। मैंने डिलीट रिकॉर्ड वाला किया, सेव कर दिया इसे फॉर्म वन के ही नाम से, फॉर्म व्यू, ठीक है जी। ये नीचे दिखा रहा है कि आप इसमें रिकॉर्ड नेविगेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे लास्ट में हमने क्या किया था, 85 किया था ना, तो वो यहां दिखा रहा है 379 रिकॉर्ड, ठीक है। तो जैसे ये रिकॉर्ड डिलीट करना है, डिलीट रिकॉर्ड, ठीक है जी, ये डिलीट कर दें, हरीश डिलीट, ठीक है जी।
ये डिलीट का बटन बन गया है इसमें से, दोबारा डिजाइन व्यू में जाते हैं। अब इंसर्ट के लिए बनाता हूं एक, यहाँ यूज कंट्रोल विजार्ड होना चाहिए, अदरवाइज इसके लिए आपको वीबीए की कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जितने आपसे पूछ लेता है करना क्या है, आप इसमें रिकॉर्ड नेविगेशन करा सकते हैं कि फाइंड नेक्स्ट नेक्स्ट फर्स्ट रिकॉर्ड लास्ट रिकॉर्ड नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है जी, एक अलग सा सिलेक्ट करा के आगे पढ़ते हैं। पहले इसमें ये देखते हैं फॉर्म ऑपरेशन, फॉर्म को कंट्रोल कर सकते हैं, एप्लीकेशन रिकॉर्ड नेविगेशन में मैंने क्या कहा था, इंसर्ट के लिए ऐड न्यू रिकॉर्ड, ठीक है जी, ऐड रिकॉर्ड का बटन मैं ऐड कर दिया, ठीक है जी। इसमें पिक्चर है वैसे तो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाके इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे नो पिक्चर नेम, कैप्शन, कैप्शन में डाल देता हूँ इंसर्ट, ठीक है जी, तो जनरल कर दिया है। यहाँ पे कुछ आपकी वो है पिक्चर में, जैसे इमेज थी, इसको किस तरह डाल इंसर्ट, ये बटन ही उस टाइप का हो गया, पिक्चर टाइप है, पिक्चर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसको अभी मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता फॉर्म भी, ठीक है जी। तो मैं कुछ भी इसमें ऐड करता हूँ, ऐसे तो नीचे से भी कर सकता हूँ, पर मैं बटन के थ्रू करूंगा कि जैसे विश जी इंसर्ट करूं तो वो मेरा इंसर्ट हो गया। वहां पे इंसर्ट हुआ पहले नंबर, जिस नंबर पे होगा उस नंबर पे वहां पे इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मैं चौथे पे करता हूं, विश्वजीत नाइन्थ पे होगा शायद, क्या नाम डाला था मैंने, विश्वजीत, इसमें देख लेते हैं डेटा टेबल में कहाँ गया, ठीक है, ये सबसे ऊपर ही चला गया, कोई बात नहीं, एंट्री तो हुई रही है। तो मतलब कुल मिला के थोड़ा बहुत, वैसे ये जो है काम अगर ढंग से करना हो तो वीबीए से करना होता है, बाकी इसमें थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। वीबीए के थ्रू आप फॉर्म बनाना, मतलब फॉर्म का अपडेट कराना, इस पे क्वेरी अटैच करना, ये सब कर सकते हो, मैक्सिमम इसमें वीबीए वर्क है, बाकी तो इसमें यही छोटा मोटा काम होता है। चलिए अब देखते हैं, इस डेटाबेस को क्लोज करते हैं, नया डेटाबेस बनाते हैं जिसमें मल्टीपल टेबल के साथ ऐड करते हैं, ठीक है जी। ब्लैंक डेटाबेस, इसमें सैंपल टू क्रिएट, एक्चुअली किस तरह का काम होता है वो देखते हैं।
पावर पाइवेट में जो आपका होता है ना वैसा ही ये भी हिसाब किताब है, उसके लिए फुल्ली बना हुआ है। मैं क्या करता हूँ इसमें इसका इस टेबल को कॉपी कर लेता हूँ और वहां बना देता हूँ। इसमें गलत पेस्ट हुआ है, डेटा से पेस्ट करते हैं। ये रिकॉर्ड आ गए मेरे, पर अभी इसमें क्या है कि आईडी मुझे इसे लेना है, सीआईडी कर दो, सीआईडी देन यहाँ पे नेम देन यहाँ पे सिटी। तो इसकी इसकी वाली आईडी मुझे नहीं चाहिए, तो इसके मैं पहले मैं सेव कर लेता हूँ या डिजाइन इसको मैं कर देता हूँ कस्टमर के नाम से। ठीक है जी, तो ये आईडी जो है मुझे ये वाली नहीं बनानी, तो पहले प्राइमरी की हटाऊंगा फिर इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है जी, अब इसको प्राइमरी बनाना है मुझे, तो प्राइमरी की इस पर लिख दिया। ठीक है जी, सेव करूंगा। इसमें देख लेते हैं नेम सिटी ओके है, सब टेक्स्ट में सेव क्लोज। तो इसको देखा मैंने, तो यहाँ पे मेरा डाटा अब सही है। ठीक है जी, एक टेबल आ गई मेरी, क्लोज कर लेता हूँ। देन दूसरी टेबल क्रिएट करता हूँ। टेबल को हम ऐसे कॉपी पेस्ट करने के बजाय हम चाहे तो डायरेक्टली पिक भी कर सकते हैं। मैं क्लोज कर देता हूं। एक्सेल एक्सटर्नल डेटा में एक्सेल से जाएंगे और उस फाइल को हम नेविगेट कर देंगे। नेविगेशन के केस में यह डेटा लिंक्ड हो जाएगा उसी फाइल से, पर उसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं होगी, खाली डेटा वहां से उठाएगा। पावर पाइवट था ओके, अभी बता रहा कौन सी, मैंने प्रोडक्ट टेबल में से उठाना है। ठीक है जी, नेक्स्ट फर्स्ट रो कंटेनिंग कॉलम हेडिंग्स, ठीक है जी उठा रहा है। नेक्स्ट हर एक का डेटा टाइप चेक कर लूंगा, इसका टेक्स्ट है, इसका टेक्स्ट है, ठीक है। प्राइस का डबल में है, डबल में या इंटीजर में होना चाहिए। डबल आपका होता है डेसिमल वैल्यू कंटेन करता है, इंटीजर खाली पॉजिटिव कंटेन करता है, डेसिमल नहीं है, यही इनमें फर्क है बस। ठीक है जी, तो जब भी नंबर कैलकुलेशन की बात आए तो डबल पे ही हमेशा सिलेक्ट करेंगे। फिनिश, चूज माई ओन प्राइमरी की, तो प्राइमरी की मैंने अपने आप से ही चूज कर दी कि ये वाली रहेगी। नेक्स्ट टेबल जो है प्रोडक्ट रहेगी, क्लोज। तो प्रोडक्ट टेबल आ गई। एक और करनी है मैंने, इसमें है सेल्स टेबल एक, ठीक है इसको ले लूंगा। फर्स्ट रो कॉलम एडिंग रहेगी,
एस आई डी टेक्स्ट, डेट टाइम में पी आई डी जो है टेक्स्ट, सी आई डी भी टेक्स्ट, क्वांटिटी जो है नंबर डबल में, ठीक है। नेक्स्ट प्राइमरी की या उसे चूज कर ली मैंने, मेरी रहेगी एस आई डी, ठीक है जी। नेक्स्ट फिनिश, ठीक है जी। ये तीन टेबल हो गई। अब देखिए, अब इन तीन टेबल से क्वेरी कैसे बनेगी, पहले मैं आपको डेटा समझा देता हूं है क्या ये। कस्टमर टेबल में हमारा कस्टमर की आईडी है, नेम है और सिटी है, ठीक है जी। प्रोडक्ट टेबल में हमारी प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है और प्रोडक्ट का प्राइस है, ठीक है जी। फिर एक सेल्स टेबल जो किसी सॉफ्टवेयर से बन रही है, उसमें क्या है, हमारी सेल्स आईडी है, कौन सी डेट को सेल्स हुई है, कौन सा प्रोडक्ट बिका है, उसकी खाली प्रोडक्ट आईडी इसके अंदर है। कस्टमर आईडी, कौन से कस्टमर ने लिया है और प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी ली है, ठीक है जी। प्राइस वहां है, क्वांटिटी यहां से मल्टीप्लाई करके अपना रिजल्ट निकल जाएगा। तो ये बेसिकली ये टेबल्स एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। अब मुझे एक बनाना है, एक क्वेरी बनानी है जिसके अंदर मैं अपना डेटा पूरी तरह से देख सकूं। क्वेरी कैसे बनाऊंगा, क्वेरी डिजाइन, ठीक है जी। अब इसमें तीनों टेबल ऐड कर लूंगा, ये भी, ये भी, ठीक है जी। अब देखिए, एक रिलेशनशिप यहां पे पहले से ही जुड़ी हुई है, ठीक है जी। अभी इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है जी। तो तीनों में अपनी अपनी क्या है कि अपने पास प्राइमरी की लगी हुई है तीनों की, ठीक है जी। अब क्वेरी डिजाइन करने से पहले इनकी रिलेशनशिप बतानी पड़ेगी कि ये वाली पीआईडी ये वाली पीआईडी है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाली पीआईडी को सेल्स वाली को कहूंगा कि तू जो डेटा है वो यहां से लेगा, ठीक है जी, इस पीआईडी से, और ये जो सीआईडी है वो डेटा लेगी अपना इस सीआईडी से, सिर्फ ड्रैग करना है उसमें। हाँ, तो ये रिलेशनशिप ये बन गई अपनी, ठीक है जी। ये हमारे मास्टर टेबल है और ये अपनी ट्रांजेक्शनल चल रही है, तो हमें खाली इसको क्लिक करके इधर लगाना है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, जैसे यहाँ पे ये प्राइमरी की होती है तो यहाँ जाके फॉरेन की बन जाती है, ठीक है जी। फॉरेन की में क्या कंसेप्ट होता है कि वो किसी टेबल में प्राइमरी की होती है, ये वी लुकअप का कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा, ठीक है जी। कि आईडी उसको जाकर ढूंढो, अब ये अटैच हो गया डेटा, ठीक है जी। एसक्यूएल व्यू में देखना चाहे तो इसकी, इसको सेव कर लेता हूँ, किसके नाम से, क्वेरी वन के नाम से, और इसको आप देख सकते हैं कि एसक्यूएल व्यू में तो इस तरह से एसक्यूएल की कमांड बनेगी, फ्रॉम सिलेक्ट, फ्रॉम सिलेक्ट इनर ज्वाइन प्रोडक्ट ऑन सेल्स आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट पीआईडी, सेल्स डॉट पीआईडी इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट पीआईडी, मतलब सेल्स का डाटा प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर इन दो टेबल का इनर ज्वाइन लग गया, कस्टमर टेबल में सेल्स आईडी पे सेल्स सीआईडी और कस्टमर सीआईडी, ये दोनों टेबल नेम है, ठीक है जी। धीरे धीरे समझ जाएंगे इनको, अभी समझ में आया। सीआईडी, सीआईडी इज रिलेटेड टू पीआईडी ना, सीआईडी पहले रहना था ना उधर, नहीं नहीं आप देखिए इसमें PID is the sub function of CID ना। वैसे इसमें रियल रिलेशनशिप फॉर्म हो चुकी है, तो मैं क्या करता हूँ सेल्स वाली खोलता हूँ, क्वेरी 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 वन डेस्टिनेशन फील्ड, ओके। तो उसके बाद उसने डेटा कौन सा दिखाना है ये तो हमने बताया ही नहीं, इसको डिजाइन ये, ठीक है जी। अब ये है, अब इसमें से दिखाना क्या है, इसको रिलेशनशिप तो मैंने लगा दी, अब मुझे डेटा कैसा चाहिए कि
जो सेल्स में SID है, फील्ड ये मैंने यहाँ से चूज कर दी अपने आप से। मैंने कहा पहले SID दिखाए, फिर मुझे दिखाए सेल की डेट कौन सी है, तो सेल्स वाली में डेट आ गई। फिर मैंने दिखाया कि कौन से कस्टमर ने खरीदी है, तो कस्टमर डॉट नेम मैं उठा रहा हूँ कस्टमर टेबल से, ठीक है जी। फिर मैं बता रहा हूँ कि उसने क्वांटिटी कितनी खरीदी है, तो सेल्स में टेबल में क्वांटिटी है। फिर मैं उसमें निकाल रहा हूँ कि उसका नहीं, क्वांटिटी से पहले मुझे वो चाहिए, यहाँ पे डिलीट करूंगी, तो यहाँ पे क्वांटिटी से पहले मुझे चाहिए प्रोडक्ट कौन सा लिया है, तो प्रोडक्ट नेम चाहिए मुझे, प्रोडक्ट आईडी से कोई लेना देना नहीं, प्रोडक्ट नेम चाहिए, ठीक है जी। नेम के बाद मुझे चाहिए कि उसका प्राइस क्या था, रेट क्या था, तो प्रोडक्ट प्राइस यहाँ से उठा लिया। कितनी क्वांटिटी ली गई है इसकी, तो सेल्स में क्वांटिटी है। तो इस तरह का डेटा मुझे तीनों में से मिला जुला डेटा चाहिए, ठीक है जी। सेव कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सेल्स आईडी है, इस डेट को हुई थी, ये कस्टमर का नाम था, और प्रोडक्ट नेम जो है वो डुप्लीकेटिंग स्टेंसिल पेंसिल है, प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है जी। इस तरह का डेटा हमने फॉर्म कर दिया। समझ आया सर इसमें कुछ? हाँ परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है जी। बट वो एक ही रिलेशनशिप हाँ सीआईडी से इनिशिएट हुआ ना, तो पीआईडी इज डिपेंडेंट ऑफ सीआईडी ना। पीआईडी जो है सर वो प्रोडक्ट आईडी है जो कि हमें मिलेगा। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं इसमें, यहाँ पीआईडी मैंने खाली रेफरेंस के तौर पे छोड़ दी, और मैंने कहा बाकी के डेटा की जब बारी आएगी तो वो यहाँ से हम प्रोडक्ट नेम और प्राइस उठा लेंगे, ठीक है जी, पीआईडी के बेस पे, कि जहाँ वो पीआईडी ये उससे वो प्रोडक्ट ले लेंगे और उसका प्राइस ले लेंगे, क्योंकि सेल्स डेटा में खाली आईडी डाल रखी है हमने। या अब देखिए ये कॉन्सेप्ट बनाते क्यों है, इसको हमने यूजी क्यों किया। अब देखिए मान लीजिए सेल्स ट्रांजेक्शन होती खाली मेरे पास, तो उसमें ये वाली फील्ड बार बार मुझे टाइप करनी पड़ती, हाँ जी, बार बार प्रोडक्ट नेम टाइप करना होता, और मुझे याद भी नहीं है कि हर प्रोडक्ट का क्या प्राइस होता। तो उस चक्कर में मैंने क्या किया, प्रोडक्ट का एक मास्टर बना के रख दिया कि भाई साहब मेरे पास इतने ही प्रोडक्ट हैं और हर एक प्रोडक्ट का प्राइस ये है। उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि पेंसिल है तो अलग अलग तरह की पेंसिल हो सकती है, तो नाम यूनिक हो सकते, नाम जो है डुप्लीकेट हो सकते हैं, तो मैंने उनकी स्पेशल आईडी क्रिएट कर दी कि इसका नाम आज से ये रहेगा, इसका नाम आज से ये रहेगा, ताकि बीच में डुप्लीकेसी ना हो, ठीक है जी। तो मैंने ये दो जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने अपने मास्टर में फीड कर दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा सेल्स का डाटा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सेल्स में खाली मैं आईडी सिलेक्ट करूंगा। इसी तरह से कस्टमर की भी आईडी है कि कस्टमर की डिटेल में, अभी तो मैंने छोटी सी नेम सिटी बनाई है, फिर फोन नंबर, फिर उसका एड्रेस, क्रेडिट कार्ड और दुनिया भर की इंफॉर्मेशन हो सकती है इस टेबल में, ठीक है जी। तो वो मुझे जब जरूरत पड़े तभी यूज करूँ। एक मास्टर बना के रख दिया कि ये एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है मेरे, इन्हें कोई माल बिकता, तो इनको मैं डील कर रहा हूँ सीआईडी से। तो ये जो सेल्स का डेटा बहुत बड़ा हो सकता था, मतलब मेरे पास हजारों लाखों कस्टमर आते हैं, जैसे वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें इस तरह से मेंटेन करना बहुत भारी होता है। अगर मैं खाली सेल्स डेटा ही मेंटेन करूँ सारी इंफॉर्मेशन लेके, एक तो मुझे हर बार उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो उससे बेस्ट है मैं ये मास्टर कॉन्सेप्ट फॉलो करूं कि जो मेरे पास नाम पहले से है वो आ जाए, जैसा कि हम वी लुकअप में करते हैं, सही ठीक है जी। है। अब जैसे रोल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम कोई टेस्ट देने जाते हैं, अब हमारी सारी डिटेल है कि ये महेश है, उसके पापा का नाम ये है, माँ का नाम ये है, और उसने पीछे इतना इतने किया था, इतने पैसे जमा कराए थे, ठीक है जी। वो हर इंफॉर्मेशन हर एक रिकॉर्ड के साथ बार बार तो लिखेंगे नहीं, तो उसके लिए उनका मास्टर बना दिया जाता है सीधा एक बार, और उनकी आईडी के तौर पे दे दिया गया रोल नंबर, ठीक है जी। अब वो रोल नंबर ने कितने मार्क्स लिए ये
ये फीड करते चलेगा रोल नंबर के साथ ही मार्क्स, ठीक है जी। तो आगे अगर हमें कभी डीएमसी बनानी होगी तो हम उन दोनों डेटा को ज्वाइंट कर देंगे, मार्कशीट जैसे बनानी होगी ज्वाइंट करके जैसे मैंने डेटा निकाला वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब सेल्स में एंट्री क्या करनी पड़ रही है मुझे, पीआईडी डाली, सीआईडी डाली, क्वांटिटी डाली, ठीक है जी। पर मुझे ये पता है कि उसने खरीदा कितने का माल है जब मैं इस तरह से डेटा को निकाल लेता हूँ। और हालांकि एक और फीचर है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे अमाउंट इसको देखते हैं यहां से यूज करते हैं कि कहां से यूज करते हैं, कैलकुलेटिव फील्ड अगर मुझे डालनी है तो ये किसी टेबल में से नहीं होगा, ये होगा अच्छा फॉर्मूला लग जाएगा इधर। इसमें मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट डॉट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय सेल्स डॉट क्वांटिटी, देखते हैं अगर ये चल गया तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया मेरा अमाउंट आ गया, यही कैलकुलेशन मैंने क्वेरी के अंदर ही कर दिया जबकि ये फील्ड अवेलेबल ही नहीं। अभी ये एक्सप्रेशन आ रहा है ना, इसको मैं सही करता हूँ थोड़ा डिजाइन, ये एक्सप्रेशन वन की जगह मैं टाइप कर देता हूं अमाउंट, ठीक है जी। अब अमाउंट लिखा हुआ आएगा और जब मैं ये क्वेरी चलाऊंगा तो मेरे पास अमाउंट की फील्ड आ गई जिसमें प्राइस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ठीक है जी। अब ये देखिए, ये अमाउंट निकालने का तो कोई प्रोसीजर ही नहीं था, तो इस डेटा से मेरा अमाउंट भी निकल के आ गया, ठीक है जी। तो मुझे ये पता पड़ गया यूजर ने मतलब यूजर ने कितने की बिलिंग कराई थी उस डेट को, ठीक है जी। कस्टमर ने चाहे तो पाइवट टेबल व्यू के जरिए भी ये सब चीजें देख सकते हैं, ठीक है जी। अब टोटल बिलिंग देखनी है हमने, अब यहाँ कैलकुलेशन की बात आ गई तो हमारी पाइवट टेबल आ जाएगी, ठीक है जी। अब वो क्या था, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड था, क्वेरी जो है रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड चलती है, पाइवट टेबल समराइज करने के लिए काम आता है, ठीक है जी। अब ये देखिए, इसमें पहले से ही आपके दुनिया भर की चीजें पहले ही बना दी, डेट बाय वीक, डेट बाय मंथ, ठीक है जी। अगर मुझे ये देखना हो कि हर मंथ में हर एक यूजर की कितनी कितनी बिलिंग हुई है, मैं क्या करता हूं, पहले नेम उठा के रखता हूं, इधर नेम डाल दिया मैंने हर एक कस्टमर का, आ गया। फिर उसने हर मंथ में कितने की वो ली है, मंथ भी मैं इसी में डाल देता हूं, डेट बाय मंथ यहां से करूंगा तो वैसे ईयर भी क्वार्टर खुल रहा है, क्वार्टर में मई खुल रहा है, मई में डेट खुल रही है। तो इस तरह से इनका जो डेटा है ये खुलता आ रहा है, मुझे चाहिए वैसे मंथ खाली, इसको हटाता हूँ और इसको नॉर्मल उसमें लाता हूँ, ईयर मंथ, ठीक है जी। तो मंथ आ गया इसमें, अब कितने की बिलिंग हुई है मुझे कैसे पता पड़ेगा, अमाउंट से, अमाउंट मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है जी। टोटल कैलकुलेशन अगर मुझे करनी है तो मैं ऑटो कैल्क सम कर देता हूं, तो हर एक का टोटल दिखाई दे रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको माइनस में डालना, ठीक है जी। तो ये हर एक कस्टमर ने हर महीने की इतनी इतनी बिलिंग की है और अब तक ये इतने की बिलिंग करवा चुके हैं, ठीक है जी। इसको करके हाइड डिटेल,
मान लीजिए मंथ भी हटा देता हूँ तो टोटल बिलिंग अब तक की कितनी हुई है, इतनी हुई है, ठीक है जी। तो इस पाइवट टेबल को भी मैं सेव करके रख सकता हूँ कि ये कस्टमर हमारे ये है, और इनके अगर मुझे देखने कि मेरे प्रीमियम कस्टमर कितने हैं जो मेरी मतलब सबसे ज्यादा बिलिंग करते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको सॉर्ट करके रख सकता हूँ डिसेंडिंग में, ठीक है जी। तो टॉप 10 टॉप 5 में कस्टमर अलग से रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ कि ये है भाई साहब मेरे कस्टमर जो मेरे लिए सबसे मेन है, जिसका ऑर्डर आ गया तो इनको मुझे सबसे पहले देना है, ठीक है जी, मेरी टोटल सेल आ रही है, ठीक है। तो एक्सेस के अंदर चीजें वही है सारी, बस ये है कि थोड़े से एडवांस फंक्शन हो जाते हैं। थोड़ा जो डेटा एनालिसिस का काम है वो क्वेरी वगैरह से फॉर्म से जल्दी हो जाता है। सेव करके क्लोज कर दिया तो मेरे पास इसी क्वेरी में पूरा का पूरा डेटा भी आ रहा है। अब देखिए मैंने ऊपर में से कोई डेटा नहीं छेड़ा है, वो डेटा एज इट इज है, ये खाली व्यू बना हुआ है, ठीक है जी। हालांकि मेन डेटा में भी इसमें भी मैं जितना मर्जी फिल्टर फिल्टर सब लगा सकता हूँ, ठीक है सर। और ये काम अगर आप VLOOKUP में करेंगे तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसके मेथड्स जानने के बाद ये बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए अमाउंट का जैसे बनाया तो SQL स्टेटमेंट में क्या असर पड़ा, ताकि हमें कैलकुलेशन से हर चीज पता लगती रहे। तो यहाँ सिलेक्ट इसमें टेबल नेम डॉट उनका लिखा हुआ है, ठीक है जी, कौन से ऐसे कहाँ से आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने क्वांटिटी के बाद जो फील्ड करी थी प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय सेल्स डॉट क्वांटिटी और एज अमाउंट उसका नाम क्या आना है, एज अमाउंट फ्रॉम, अगर दो टेबल को ज्वाइंट करता मैं खाली तो कैसे करता, इनर ज्वाइन पे सेल्स इनर ज्वाइन प्रोडक्ट, सेल्स का जो इनर ज्वाइन लग रहा है प्रोडक्ट के साथ, ठीक है जी, मास्टर टेबल यहां हो रही है, सेल्स का इनर ज्वाइन लगा प्रोडक्ट के साथ किस पे, ऑन सेल्स पहले दी थी सेल्स डॉट पी आई डी इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट पी आई डी, ये दोनों आपस में ज्वाइंट कर गए। जब ये दोनों ज्वाइंट कर गए तो एक नई टेबल हमारे पास आ गई, उसका इनर ज्वाइन हो गया, मतलब इस पूरे का इनर ज्वाइन हो गया कस्टमर के साथ, तो कौन सी पे, सेल्स डॉट सी आई डी इक्वल टू कस्टमर डॉट सी आई डी, ठीक है जी। तो ये क्वेरी बन गई पूरी पूरी, ठीक है। तो ये चीज यहां तक क्लियर हो गई आपको, या पाइवट टेबल भी हमने देख लिया कि इसमें पाइवट टेबल कैसे काम करता है, ठीक है जी। SQL व्यू के बारे में जान लिया हमने, पाइवट चार्ट भी ऐसे ही यूज कर सकते हैं, पाइवट चार्ट भी, ठीक है जी। अरे कस्टमर का आपका वो आ रहा है उसी का ही जैसे है आपकी सेल्स दिखा रही है, राइट क्लिक, लेजेंड चार्ट टाइप किसी तरह से देखना चाहे पाई चार्ट में देखना चाहे पाई में बता देगा आपको, उसको तो फिर क्लोज ही करना, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास, अलग अलग हम व्यू सेट कर सकते हैं बेसिकली। तो ये था एक एग्जांपल। अब रिपोर्ट, ठीक है जी। अब ये जो क्या है ना क्वेरी वेरी जितना भी अभी तक हमने देखा ये सब था ग्रिड फॉर्म में, ठीक है जी। ये सब का क्या, ये सब ग्रिड फॉर्म में था जो भी था, एक था। अब थोड़ा सा हमें क्या होता है कि कंपनी में रिपोर्ट देनी होती है तो ऐसे स्टेटमेंट की तरह तो दे नहीं सकते, है ना, थोड़ा सा उसमें सजाव और श्रृंगार चाहिए होता है। तो उसके लिए जो टूल यूज होता है उसे कहते हैं रिपोर्ट, ठीक है जी, रिपोर्ट।
तो मैं रिपोर्ट डिज़ाइन यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब इस रिपोर्ट में पेज का हेडर क्या रहेगा, मान लीजिए मैं वही क्या करना चाह रहा हूँ, क्वेरी ही जोड़ना चाह रहा हूँ। क्वेरी सब रिपोर्ट, अब ये क्वेरी मैंने जोड़ दी। ऊपर चाहे आप हेडिंग वेडिंग जितना जो लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए। हालांकि इसमें डायरेक्ट आपकी क्वेरी जो है रिपोर्ट बन जाती है। रिपोर्ट को उसमें देख लेते हैं, सेव कर लेता हूँ रिपोर्ट बन, चल कैसे रही है पहले वो देख लें। ठीक है जी, तो ये तो वो रिपोर्ट दिखा रही है, ये नहीं चाहिए मुझे, ये तो सब फॉर्म में हो गया। अब रिपोर्ट क्वेरी सब रिपोर्ट यहाँ पे बनी हुई है, ये आपकी फुल रिपोर्ट है। ठीक है जी, इसको डिजाइन लेआउट में इसकी सेटिंग वेटिंग कर सकते हैं कि कहाँ कैसे आनी चाहिए। ठीक है जी, इसमें ये आपकी हेडिंग आ गई, ये डिटेल आ गई। फुटर में कुछ ऐड करना चाहे तो फुटर में भी ऐड हो सकता है, फुटर में अगर कुछ ऐड करना चाहे तो। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस हेडिंग में और बढ़ा देता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करके डाउन 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 हिल नहीं रहा है। लेबल इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आया, यहाँ पे मैंने लेबल वगैरह ऐड कर सकता हूँ कि सेल्स रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इनको बड़ा छोटा करना हो तो ये साइड में प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी से इनका फॉन्ट वगैरह सेट किया जा सकता है, जैसे फॉन्ट साइज 20 कर देता हूं। ठीक है जी, इनका कलर वाला जो भी सेट करना है, बोल्ड है फॉन्ट, यहां से फॉन्ट कलर अब ये रिपोर्ट व्यू में चला जाता हूँ तो ये रिपोर्ट व्यू वैसा आ जाता है अपना। ये आपका प्रिंट व्यू है, वर्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको, ये सारी की सारी आपकी वर्ड या एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगी जो भी होगी। हाँ, इसमें कुछ एरर आ रही है, ऐसे हो जाती है नॉर्मल। तो रिपोर्ट में हेडर फुटर और थोड़ा सा ये फॉर्मेट को आप ठीक तरह से प्रिंट लेने लायक बना सकते हैं, क्योंकि इसमें तो आपको ये खाली ग्रिड दिखेगी। ठीक है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ज्यादा कुछ इसमें हम ज्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है जी,
ओके इसके बाद जो बचता है वो खाली जो होता है अपना बीबीए ही होता है। ठीक है जी, करी 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 वन। ठीक है, ये रिपोर्ट फॉर्मेट के ऑटोमेटिक है, किसको आपने असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट सूट करना है उस हिसाब से कर सकते हैं, जरूरत नहीं है तो आगे किस फॉर्म ने आना है, कॉलम में, टेबलर में, जस्टिफाइड, अलग अलग है। पोर्ट्रेट में दिखाना चाहते हैं, लैंडस्केप में। टाइटल क्या देना है, तो अलग अलग तरह के फॉर्मेट हैं जिनसे आप, अब ये 80 पेजों में एक फॉर्म के व्यू में निकलेगा। कॉलम वाला मैंने सिलेक्ट किया था, तो ये हर एक जैसे रिकॉर्ड्स होते हैं ना अलग 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 अलग, थोड़े से फॉर्मेट्स अलग अलग हैं, जैसा निकालना चाहे वैसे निकल जाएगा। बाकी इसमें कुछ है नहीं, इतना ही है, इसके बाद जो है वीबीए चलता है सारा। ठीक है जी, हाँ एक आध चीज कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, जैसे फॉर्म के अंदर या इनके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं कि कोई जो फील्ड सिलेक्टेड है उसकी वैल्यू अगर इससे इसके बीच में है तो आप फॉर्मेट कर सकते हैं कि कैसी दिखाई दे दीजिए। ठीक है जी, कोई स्पेशल इसमें है नहीं। अब इसमें करता हूँ जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फील्ड वैल्यू इज इक्वल टू महेश, तो महेश का जो फॉन्ट कलर है वो रेड हो जाना चाहिए और थोड़ा बोल्ड हो जाना चाहिए। ओके, इसको क्वेरी व्यू रिपोर्ट व्यू। अच्छा महेश तो है ही नहीं इसमें, ये ही ले लेता हूँ। कंडीशनल महेश की जगह वो डाल देता, ओके ओके आ जाओ यार। नहीं नहीं रहा है इसमें, मेरे ख्याल से खाली फॉर्म के लिए ही होता है ये, इसमें नहीं चलता। फॉर्म फॉर्म फॉर्म, हाँ जैसे क्वेरी वन हमने डिजाइन की थी, इसमें मैं क्रिएट कर देता हूँ फॉर्म। तो ये फॉर्म यहाँ लग जाएगी मेरे ख्याल से, इज इक्वल टू फॉर्मेट रेड बोल्ड। ओके ठीक है जी, तो यहाँ फॉर्म में चलता है। यहां जैसे ही वो नाम आएगा वो रेड हो जाएगा। ठीक है सर, तो इसलिए सारा का सारा हमारा एक्सेस यूज होता है, और इसमें है कुछ नहीं। ठीक है जी, बाकी मेन चीजें यही है एक्सेस की। ठीक है सर, एक बार वो ईमेल देखेंगे ना, क्या है वो ईमेल, उसका सारा चीज हो चुका है मेरे हिसाब से।